स्टूडेंट्स yeah. आज हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर में टॉपिक एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्कस करेंगे ओके सो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ट्रायंगल के वर्टिस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में उस ट्रायंगल का एरिया कैसे लिखेंगे वो दे समझेंगे इसमें सो नो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज़ वर्टिस आर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू

अब इसमें नोट है फर्स्ट पॉइंट है आपका सिंस एरिया इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी ओके सो वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनाट ओके अगर इसके फॉर्मूला यूज़ करने पर इसका आंसर निगेटिव आ जाए तो भी हम उसे पॉजिटिव में लिखते हैं क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है सेकेंड पॉइंट आ जाएगा दैट इज़

अब इसी करस्पॉन्डिंग एक्सरसाइज दैट इज़ ये आ जाएगा आपका फोर पॉइंट टू है एक्चुअल में फाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवेन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ ट्राइंगल के वर्टिसेस का कॉर्डिनेट दिया हुआ हमें एरिया फाइंड करना है तो सोल्यूशन वन एरिया का हम एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवेन बाय दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू हाफ और वन बाई टू और इन टू अब फर्स्ट है वन जीरो और वन आ जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग फिर सिक्स ज़ीरो एंड वन आ जाएगा फिर फोर थ्री एंड वन आ गया विच इज़ इक्वल टू अब हम इस डिटर्मेंट को एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग सी टू सी टू के अलोंग हम एक्सटेंड करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा हैं तो ये आ जाएगा आपका वन बाय टू और इन टू तो यहाँ पर जीरो ज़ीरो के लिए लिखने की जरूरत है नहीं थ्री के लिए थ्री के लिए चूँकि ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है इसलिए थ्री के साथ ये माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस थ्री अब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे रिमेनिंग एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेंगे वन इंटू वन देट इज़ आ जाएगा वन आ जाएगा माइनस सिक्स इंटू वन तो माइनस सिक्स आ गया दैट इज़ ओके नो विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू और इंटू माइनस थ्री और इंटू माइनस फाइव विच इज़ इक्वल टू माइनस थ्री इंटू माइनस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन अपॉन टू आ जाएगा दैट इज़ स्क्वायर यूनिट इसका आंसर ये आ गया उसी तरह हम सेकेंड पार्ट का देखेंगे एरिया के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज वन बाई टू डिटर्मिनाट ऑफ फर्स्ट पॉइंट है टू और सेवन टू सेवन वन आ गया सेकेंड पॉइंट है वन वन और ये वन आ गया थर्ड पॉइंट है टेन फाइव और वन लेंगे अब हम इस डिटर्मिनाट को एक्सपेंड करेंगे एलोंग रो वन अलॉन्ग रो वन विच इज इक्वल टू वन बाई टू और इंटू दैट इज़ टू टू के साथ प्लस आएगा टू और इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे वन इंटू वन माइनस एट इंटू वन तो वन माइनस एट आ जाएगा ओके फिर सेवन के साथ माइनस आएगा माइनस सेवन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे वन इंटू वन और माइनस टेन इंटू वन माइनस टेन तो वन माइनस टेन आ गया विच इज़ अब ये आ जाएगा थर्ड दैट इज़ प्लस वन आएगा इस एलिमेंट के साथ और फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे ये एट और माइनस टेन आ जाएगा एट माइनस टेन आ गया ओके okay? अब इसे हम फाइंड करेंगे वैल्यूज़ वन बाई टू और इंटू टू और इंटू ये आ गया माइनस सेवन आ गया माइनस सेवन और इंटू वन माइनस टेन आ गया माइनस नाइन आ गया प्लस वन और इंटू एट माइनस टेन तो माइनस टू आ गया ये आ गया विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू और इंटू टू माइनस सेवन माइनस फोर्टीन आ गया माइनस सेवन इंटू नाइन माइनस नाइन तो प्लस सिक्सटी थ्री आ गया वन इंटू माइनस टू माइनस टू आ गया नौ विच इज़ इक्वल टू जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर्टी सेवन अपॉन टू स्क्वायर यूनिट आ गया ओके okay. इसी ढंग से थर्ड पार्ट का आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू वन बाई टू और इंटू डिटर्मिनेंट लेंगे तो फर्स्ट पॉइंट है थर्ड पार्ट में आपका माइनस टू माइनस थ्री दैट इज़ आ गया आपका माइनस टू माइनस थ्री और वन आ जाएगा सेकेंड पॉइंट है थ्री टू और वन आ जाएगा थर्ड है माइनस वन और माइनस एट और ये वन आ गया इसे अब हम एक्सपेंड करेंगे दैट इज ओके अब इसे हम या एक्सपेंड करेंगे अलोंग आर वन वन के कौन अलोंग तो वन बाई टू और इन टू ये आ गया माइनस टू और इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे टू इंटू वन ये टू आ गया माइनस ऑफ माइनस एट इंटू वन माइनस एट माइनस ऑफ माइनस एट तो प्लस एट आ गया ओके फिर आ जाएगा माइनस थ्री माइनस ऑफ माइनस थ्री आ जाएगा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम थ्री और माइनस ऑफ माइनस वन आ जाएगा तो प्लस वन आ गया ओके फिर प्लस वन आ जाएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम ये आ गया माइनस ट्वेंटी फोर और प्लस टू माइनस ट्वेंटी फोर प्लस टू ये आ गया ओके नो विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू और इंटू माइनस टू और इंटू टू प्लस एट ये टेन आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस थ्री आएगा थ्री इन प्लस वन दैट इज़ फोर आ गया ये आ गया प्लस वन माइनस ट्वेंटी फोर और प्लस टू तो माइनस ट्वेंटी टू आ गया ओके नो विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू ये आ गया माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व और माइनस ट्वेंटी टू विच इज इक्वल टू वन बाई टू और ये आ जाएगा आपका दैट इज़ ओके माइनस ट्वेंटी और प्लस ट्वेल्व और माइनस ट्वेंटी टू तो माइनस टेन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू माइनस थर्टी अपॉन टू विच इज़ इक्वल टू माइनस फिफ्टीन और एरिया तो निगेटिव होता नहीं इसका आंसर हम पॉजिटिव में ही लिखेंगे बट एरिया कैन नॉट बी निगेटिव देयर फॉर एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल विल बी इक्वल टू फिफ्टीन स्क्वायर यूनिट आ जाएगा ओके सेकेंड क्वेश्चन में है शो दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर सोल्यूशन अब हमें कॉलिनियर प्रूव करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के लिए फार्मूला लिख लेंगे वन बाई टू तो और इंटू डिटर्मिनांट दैट इज ए बी प्लस सी वन बी सी प्लस ए और वन आ जाएगा सी ए प्लस बी और वन आ गया इसे हम अब एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग सी वन तो एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनट अलॉन्ग सी वन विच इज इक्वल टू वन बाई टू और इंटू ए और इंटू फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो ये आ जाएगा c प्लस ए इंटू वन तो c प्लस ए और माइनस ऑफ़ a प्लस बी और इंटू वन तो माइनस ए प्लस बी आ गया फिर माइनस बी आ जाएगा माइनस बी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम b प्लस सी इंटू वन तो b प्लस सी आ जाएगा ओके और माइनस ए प्लस बी इंटू वन तो दैट इज़ माइनस ए प्लस बी आ गया ओके अब ये आ जाएगा प्लस सी प्लस सी फर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे बी प्लस सी इंटू वन तो बी प्लस सी माइनस ऑफ ओके दैट इज़ सी प्लस ए और इंटू वन तो माइनस ऑफ सी प्लस ए आ गया ओके ये आ गया अब इसी को हम जब सिंपलीफाई करेंगे तो नो विच इज इक्वल टू ये आ गया ए और इंटू सी प्लस ए माइनस ए माइनस बी आ जाएगा फिर आ जाएगा माइनस बी बी प्लस सी माइनस ए और माइनस बी तो ये आ जाएगा प्लस सी और इंटू बी प्लस सी माइनस सी और माइनस ए आ गया जब हमने ब्रैकेट हटाया तो यहाँ आप देखेंगे कि माइनस ए प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया और माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया ओके तो नेक्स्ट आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू वन बाई टू ए और इंटू सी माइनस बी आ गया फिर आ जाएगा माइनस बी और इंटू सी माइनस ए सी माइनस ए आ गया प्लस सी और बी माइनस ए आ गया ओके ये आ जाएगा नो विच इज़ इक्ल टू वन बाई टू और इंटू मल्टीप्लाई क्या ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी आ गया ओके okay. अब ये देखिएगा प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल हो गया विच इज़ इक्वल टू ये आ गया आपका जीरो आ गया सिंस एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो देयर फोर हम कह सकते हैं पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर ये हमें प्रूव करना था नेक्स्ट okay. क्वेश्चन है आपका फाइन द वैल्यू ऑफ के इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज फोर स्क्वायर यूनिट ओके तो यहाँ सॉल्यूशन बन लगे सिंस द एरिया ऑफ़ द ट्रायंगल इज गिवन फोर स्क्वायर यूनिट दे आर फोर अब इस हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखेंगे दैट इज वन बाई टू इन टू के जीरो और वन आ जाएगा फोर जीरो वन जीरो टू और वन आ गया ओके विच इज इक्वल टू अब यहाँ एरिया दिया हो फोर स्क्वायर यूनिट इसके लिए प्लस और माइनस फोर लेंगे ओके okay. अब वन बाई को हम आर में लाएंगे तो डिटर्मिनाट ऑफ के ज़ीरो वन फोर जीरो वन ज़ीरो टू वन इज इक्वल टू टू को प्लस माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस एट आ जाएगा अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे अलॉन्ग कॉलम टू तो ये टू के साथ आ जाएगा ये माइनस टू और इन टू तो ये आ जाएगा थर्ड रो और सेकेंड कॉलम डिलीट करेंगे तो के और माइनस फोर आ जाएगा के माइनस फोर विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एट आ गया मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू के प्लस एट इज इक्वल टू प्लस माइनस एट आ जाएगा अब यहाँ हम केस वन ले लेंगे माइनस टू के प्लस एट इज इक्वल टू प्लस एट लिया तो यहाँ से आ गया माइनस टू के एट और एट यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस टू के इज इक्वल टू जीरो आ गया ओके देर फोर के इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा केस टू ले लेंगे दैट इज़ माइनस टू के प्लस एट इज इक्वल टू माइनस एट आ गया माइनस टू के इज इक्वल टू माइनस एट और माइनस एट दैट इज़ माइनस सिक्सटीन आ जाएगा ओके माइनस माइनस कैंसिल हो गया टू से एट कैंसिल हो गया तो के इज टू एट आ गया तो के इज टू जीरो और के इज टू एट इसका आंसर आ गया अब इसी का सेकेंड पार्ट है उसी ढंग से हम सॉल्व कर लेंगे जो कि यहाँ पर एरिया फोर यूनिट दिया हुआ के की वैल्यू फाइंड करनी तो हम इसमें एरिया का फार्मूला यूज़ कर लेंगे बिच इज इक्वल टू वन बाई टू माइनस टू जीरो वन जीरो फोर वन ज़ीरो के वन इज इक्वल टू प्लस और माइनस फोर आ गया टू को हम साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस टू ज़ीरो वन ज़ीरो फोर वन जीरो के वन इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस एट आ गया अब इसे हम फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये आ गया माइनस टू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे फोर माइनस के आ जाएगा फोर माइनस के विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एट आ जाएगा ओके दैट इज़ अब ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट और माइनस माइनस प्लस टू के इज इक्वल टू प्लस माइनस एट आ जाएगा ओके केस वन ले लेंगे माइनस एट प्लस टू के इज इक्वल टू एट ओके therefore 2k टू के इज इक्वल टू एट और प्लस एट विच इज़ इक्वल टू सिक्सटीन तो के इज इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन टू विच इज़ इक्वल टू एट आ गया केश टू ले लेंगे माइनस एट प्लस टू के इज इक्वल टू माइनस एट टू के इज इक्वल टू माइनस एट और माइनस एट प्लस एट विच इज इक्वल टू जीरो आ गया तो के इज इक्वल टू ये ज़ीरो आ गया ओके okay. अब यहाँ देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन में दैट इज़ फाइंड द इक्वेशन ऑफ़ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनाट ओके लेट अब सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए और बी हमने मान लिया ये लेट पी बी द एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी अब यहाँ देखिए हमने लाइन ए बी मान लिया ये ए बी है ओके ए बी अब हमें ए बी का इक्वेशन के लिए हमें क्या लेंगे एक पॉइंट ले लेंगे पी जिसका कॉर्डिनेट एक्सकॉमा वाई ले लेंगे अब हम यहाँ कह सकते हैं कि ए बी लाइन पर पॉइंट पी लाइक कर रहा है इसलिए पॉइंट ए बी ए पी बी कॉलिनियर हो जाएगा देरफोर हम ये कह सकते हैं पॉइंट्स ए बी और ये आ जाएगा आपका पी आ जाएगा ये क्या है आपका कॉलिनियर है आर कॉलिनियर पॉइंट्स आ गया आर कॉलिनियर देरफोर एरिया ऑफ ए बी सी इसे जो है ना हमने सी ले लिया अगर मान लिया सी ले लिया इसे भी हमने सी ले लिया सो देर ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू जीरो होगा चूंकि ये थ्री पॉइंट्स कॉलिनियर है ओके okay? अब एरिया का जब फार्मूला यूज करेंगे वन बाई टू और इन टू डिटर्मिनाट फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ यहाँ इसी को ले लिया फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्स वाई और वन आ जाएगा सेकेंड पॉइंट वन टू वन आ जाएगा थर्ड पॉइंट थ्री सिक्स और ये वन आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू जीरो अब हम जब वन बाई टू को आर एच एस में लाएंगे तो ये आ जाएगा डिटर्मिनाट एक्स वाई वन और ये आ जाएगा वन टू वन थ्री सिक्स वन इज इक्वल टू जीरो इंटू टू जीरो आ गया ओके अब यहाँ से आ जाएगा जब हम एक्सपेंड करेंगे अलोंग आर वन तो एक्स इंटू टू माइनस सिक्स माइनस वाई तो यह 1 3 आ जाएगा वन माइनस थ्री आ जाएगा और प्लस वन ये आ जाएगा सिक्स माइनस सिक्स विच इज़ इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो अब यहाँ जब टू माइनस सिक्स माइनस फोर और इंटू एक्स तो माइनस फोर एक्स आ गया माइनस टू इंटू माइनस वाई प्लस टू वाई आ गया इज इक्वल टू ज़ीरो टू यहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो देयर फोर माइनस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो अपॉन टू विच इज इक्वल टू जीरो देयर फोर अब यहाँ लिख लेंगे वाई इज इक्वल टू टू एक्स इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ये आ जाएगा ओके ये आ गया उसी तरह से हम सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे दैट इज लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए बी ये ले लिया अब लेट पी ले लिया एक्स कमाए बी एनी पॉइंट ऑन द ऑन ए बी ऑन ए बी अब न इसके बेसिस पर हम कहेंगे देरफोर पॉइंट्स ए बी पी आर कॉलिनियर देर फोर एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा वन बाई टू और इन टू ये आ जाएगा अब पी का कॉर्डिनेट हमने लिख लिया एक्स बाय और वन थ्री वन और वन और फिर नाइन थ्री और वो ये वन आ गया विच इज इक्वल टू जीरो तो आ गया वन बाई टू को आर एच एस में लाएंगे बिच इज़ इक्वल टू तो एक्स बाय और वन आ जाएगा थ्री वन और वन आ जाएगा नाइन थ्री और वन आ गया विच इज़ इक्वल टू टू जीरो इंटू टू विच इज़ इक्वल टू जीरो आ गया अब यहाँ से लिखेंगे एलॉन्ग आर वन हम एक्सपेंड करेंगे एक्स इंटू वन माइनस थ्री माइनस वाई और इंटू थ्री माइनस नाइन प्लस वन नाइन माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा अब वन माइनस थ्री माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स ये आ जाएगा माइनस सिक्स और इंटू माइनस वाई तो प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो आ गया देयरफॉर अब जब हम इसे टू से डिवाइड दे देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा देरफोर ये कहेंगे एक्स माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन ये आ गया ओके okay? अब ये फिफ्थ में देखिए एरिया ऑफ़ द ट्रेंगल थर्टी फाइव स्क्वायर यूनिट दिया हो वर्ट इज इस ट्रैंगल का ये दिया हो तो के वैल्यू पूछ रहा है सिर्फ उसी ढंग से हम सॉल्व कर लेंगे एरिया ऑफ गिवन गिवन इज थर्टी फाइव स्क्वायर यूनिट देर फिर एरिया ऑफ ट्राएंगल ए बी सील टू प्लस माइनस थर्टी फाइव ले लेंगे और एरिया ऑफ़ ट्रेंगल का फार्मूला यूज कर लेंगे दैट इज ये आ जाएगा ओके विच इज इक्वल टू प्लस माइनस थर्टी फाइव अब ये वन बाई टू को जब सेट बाई भेजेंगे तो डिटर्मान टू माइनस सिक्स और वन आ जाएगा फाइव फोर और वन आ गया के फोर और वन आ जाएगा इज इक्वल टू ये प्लस और माइनस थर्टी फाइव इंटू टू विच इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस थर्टी आ जाएगा ओके okay. नौ अब एक्सपेंड कर लेंगे हम एलॉन्ग आर वन तो टू और इन टू ये आ जाएगा फर्स्ट फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे फोर माइनस फोर आ जाएगा फिर माइनस ऑफ माइनस सिक्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम फाइव माइनस के आ जाएगा और फिर आ जाएगा प्लस वन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ये आ जाएगा ट्वेंटी माइनस फोर के विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस सेवेंटी आ जाएगा ये आ गया फ़ोर माइनस फोर जीरो टू इंटू ज़ीरो प्लस माइनस माइनस प्लस सिक्स फाइव माइनस के आ जाएगा और प्लस ये आ जाएगा ट्वेंटी और माइनस फोर के इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस सेवेंटी आ गया ये आ गया ज़ीरो प्लस थर्टी ओके माइनस सिक्स के प्लस ट्वेंटी माइनस फोर के इज इक्वल टू प्लस माइनस सेवेंटी आ गया अब यहाँ से आ जाएगा थर्टी और प्लस ट्वेंटी फिफ्टी आ गया और माइनस सिक्स के माइनस फोर के माइनस टेन के आ गया इज इक्वल टू प्लस माइनस सेवनटी टेन कॉमन ले लेंगे तो विच इज इक्वल टू ये आ गया अब टेन को उस लाएंगे तो फाइव माइनस के इज इक्ल टू सेवेंटी अपॉन टेन विच इज इक्वल टू प्लस माइनस सेवन आ गया अब यहाँ से केस वन लेंगे फाइव माइनस के इज इक्ल टू सेवन ले लेंगे तो फाइव माइनस सेवन इज इक्वल टू ये के आ गया देर फोर के इज इक्वल टू ये आ गया माइनस टू आ गया अब केस टू ले लेंगे फाइव माइनस के इज इक्वल टू माइनस सेवन आ गया देर फोर फाइव प्लस सेवन इज इक्वल टू के आ जाएगा देर फोर के इज इक्वल टू ये ट्वेल्व आ जाएगा ओके okay? आंसर आ जाएगा इसका डी पार्ट आ गया ओके थैंक यू